नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी के जो पढ़ाई है वो अच्छे चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है, उसकी शाखा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या प्रकृति है, और किस प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत जो है शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है, स्कूली शिक्षा अभी जो है प्रयोजनवाद, सारी चीजें समायोजन, वो सब पढ़ना है। मेन हमने अधिगम के कुछ सिद्धांत भी देखे। हम संप्रदाय पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के अंतर्गत आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अधिगम के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत भी हमें इसके बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली हमें पता होगा कि हम किस चीज को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने संरचनावादी संप्रदाय हमारा पढ़ लिया था। हमने सात संप्रदाय का जिक्र किया था सबसे पहले वीडियो में, शॉर्ट रूप से आपको बताया उसके अंतर्गत कि कौन कौन से संप्रदाय पढ़ने हैं, कौन कौन से संप्रदायों का जो जन्म है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा हुआ है और वो कहाँ से थे। सेकेंड हमने पढ़ा, सबसे पहला संप्रदाय हमारा निर्माणवाद, संरचनावाद या निर्मितवाद संप्रदाय, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी कि भाई किस प्रकार से विलियम वुंट ने चेतना या संवेदनाओं का उसके अंतर्गत अध्ययन किया है या संप्रत्यय का अध्ययन किया है। मैंने आपको बताया कि जो विचार बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, संप्रत्यय। आपको मनोवैज्ञानिक शब्दावली आनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है, संप्रत्यय। तो कभी संप्रत्यय शब्द आए तो कंफ्यूज मत होना। विचार बनाने की जो प्रक्रिया है, मस्तिष्क जो है वो निर्मित करता है ऐसा विचार जो कि जो बिना संक्रिया के क्या है, संप्रत्यय कहलाता है, ठीक है। इस तरह से परिभाषा भी पूछ सकती है कि मस्तिष्क में निर्मित ऐसा विचार जो बिना संक्रिया के होता है, यानी कि अभी तक किसी को बताया नहीं है, बाहर की रूप से आया नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा, संप्रत्यय। तो चेतना या संवेदना को आप संप्रत्यय से भी जोड़ सकते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। विलियम वुंट ने इसे बताया था, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसको बोला है, संप्रदायवाद जो संरचनावाद है उसका जनक इसको बोला है। चेतना का अध्ययन किसके द्वारा, हम इंद्रियों के अध्ययन के द्वारा कर रहे हैं। संवेदनाओं का जो निर्माण है वो कैसे हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद इसकी आलोचना होने लगी, ठीक है। आरंभ में इसे चेतना के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाने लगा, तो विलियम वुंट के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपस में सेम एक ही बात करते थे कि भाई चेतना का अध्ययन होता ही है। फिर धीरे धीरे विलियम जेम्स ने और ज्यादा रिसर्च करना चालू किया, और जब विलियम जेम्स ने रिसर्च करना चालू किया तो उन्होंने देखा बाद में कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई जो चेतना है एग्जैक्टली इंसान को पता तो होना चाहिए। यहाँ एक वर्ड देख रहे हो, संप्रत्यय। संप्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। संप्रत्यय के दो प्रकार हैं कि भाई एक तो होता है संप्रत्यय जो मैंने आपको बताया, विचार बनना, और दूसरा क्या है, आत्मसंप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय मतलब स्वयं के बारे में जानना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं ये कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसका प्रयोग भी किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया था। 1890 में इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम क्या था, आप में से बहुत सारों को पता होगा कि इनकी जो फेमस बुक थी विलियम जेम्स की, वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। 1890 में आई थी प्रिंसिपल, लिख देती हूं मैं, ऑफ साइकोलॉजी। अरे ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने क्या बताया, आत्म संप्रत्यय। छोटी छोटी सी चीजें कई बार पूछ लेती है, इसलिए ध्यान। अब तक तो कौन सा अध्ययन चल रहा था, चेतना का अध्ययन। अब चेतना के कार्य क्या है, एक व्यक्ति है उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, बेसिकली हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रकार्यवाद के अंतर्गत। कार्यवाद इसी को कहते हैं, कार्यात्मक संप्रदाय इसी को कहते हैं। तो याद रखना, एक ही संप्रदाय के उपनाम है ये। स्थापना किसने करी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के थे। किताब कौन सी लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी। 2016 स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, विलियम जेम्स को कहा गया। जैसे विलियम वुंट को जर्मनी के अंतर्गत कहा था, वैसे ही अमेरिका के अंतर्गत किस कौन जनक है, विलियम जेम्स जनक है। किसका, प्रकार्यवाद का, कार्यवाद का, कार्यात्मकवाद का। अब आपसे और पूछा जा सकता है कि भाई समर्थन करता कौन कौन से, तो ये भी नाम आने जरूरी है, जॉन ड्यूवी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनके गुरु मैकलीन कैटल, विलियम वुडवर्थ और रोजर्ट एजिल। ये सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार्यवाद कार्यवाद को क्या किया,
संबोधित किया या फिर इसको इसके लिए वर्क किया, ये सारे इसके समर्थन करता है। थॉर्नडाइक के लिए एक सवाल, क्योंकि थॉर्नडाइक का नाम आया, कि भाई थॉर्नडाइक मूल रूप से क्या थे, कार्यवाद से संबंधित थे या व्यवहारवादी थे? क्योंकि जनरली हम थॉर्नडाइक को अब पढ़ते हैं तो किसमें पढ़ते हैं, व्यवहारवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मूल रूप से ये कार्यवादी थे, बाद में इन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्हें संबंधन मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये दो सवाल आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो गए यहाँ पे, कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, संबंधन मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, ये सारे के सारे जो है इसके समर्थन करता है प्रकार्यवाद के, कार्यवाद के। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कार्यवाद, प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय, किसने इसको लाया था? विलियम जेम्स ने इसको लाया था, जिसकी किताब का नाम क्या है, 1890 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम आत्म संप्रत्यय शब्द का प्रयोग भी किया था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अब हर चीज तो नहीं लिखी जा सकती, बाकी तो अब लिखने के हिसाब से तो किताबें आपके पास है ही बहुत सारी। इसमें था क्या, इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी क्या? चेतना के विज्ञान को इन्होंने समझा, चेतना के प्रभावों को इन्होंने समझा, चेतना के जो कार्य हैं उसको समझने पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, कोई भी चीज है, जब हमने पहला पढ़ा था संरचनावाद को, हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा, भाई इंद्रियों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इंद्रियों से आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण होना भी तो जरूरी है ना। इंद्रियों से सिर्फ ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छा ये क्या है, ये आपने देखा, हाँ ये कोई फल है, इसको शायद ये शेप जो है ये आम का है, लेकिन एग्जैक्टली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आम है, ये जो आम है ये फलों का राजा कहलाता है, इसका रंग पीला होता है, ये मीठा होता है, स्वाद में खट्टे भी होते हैं, जब ये कच्चा होता है तो खट्टा होता है, क्या क्या इससे बन सकता है। अब ये पेन है, इस पेन को देख के आपने देख लिया कि हाँ ठीक है ये पेन है, बस क्या यहीं तक सीमित रहना जरूरी है? जब हम बालक को समझने की कोशिश करेंगे, बालक के अलग अलग अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उसके संवेगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हाँ ठीक है बालक है देख लिया, उसकी अवस्थाएं देखेंगे, बाल विकास के चरण पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो सिर्फ चेतना या संवेदना से काम नहीं चलेगा कि भाई इंद्रिय ज्ञान काफी है, सिर्फ देख लिया और समझ लिया, ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्षीकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, जस्ट चेतना संवेदना का जो अगला स्टेप है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। एग्जैक्टली करना क्या है, कार्यों पे जोर, कि भाई क्या होता है, उसकी व्याख्या करना, उसकी पहचान करना और उसको एक नाम देना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि ये आपको दिख रहा है ये क्या है, पेन है, सबको समझ में आ गया। क्या किया सबसे पहले संरचनावाद के अकॉर्डिंग, क्या किया, इसको देखा, आंखों से देखा, यानी कि इंद्रियों से संवेदना वाला ज्ञान प्राप्त हुआ, चेतना प्राप्त हुई और आपने महसूस किया कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्रकार्यवाद, करता क्या है ये, इससे करते क्या है। ठीक है, सुन लिया पेन है, देखा आंखों ने, फील कर लिया इसको पेन है, इसके चित्र को भी समझ लिया, इससे क्या क्या किया जा सकता है, इससे लिखा जा सकता है, आप इसे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीका होता है, बॉल पेन होते हैं आपके, जेल पेन आता है, इंक पेन आता है, फिर सबकी निब अलग अलग होती है, मतलब एक तरीके से विषय वस्तु को पहचान करना। अब एक बालक के बारे में जब पढ़ोगे तो बालक के अंतर्गत शैशवावस्था में अलग तरीके का बालक होगा, बाल्यावस्था में वो अलग तरीके का बालक होगा, किशोरावस्था में अलग तरीके का बालक होगा, संवेदनाएं जो है अलग अलग होंगी, उसके कार्य करने के तरीके अलग अलग होंगे, उसकी कार्यशैली अलग होगी। और जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पर भी ये संप्रदाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला संरचनावाद क्लियर हुआ, दूसरा हुआ प्रकार्यवाद, जो प्रकार जो है चेतना के कार्यों पे जोर देने लगे। तो 1912 से लेकर 14 तक जो है आपस में यही मतभेद चलता रहा, क्या चेतना संवेदना को माने या फिर चेतना के कार्यों को माने। तो 1912 से लेकर 1914 तक ये द्वंद्व चला, मतभेद चला, ठीक है, इनके बीच में आपस में। इसी बीच में 1913 में एक नया संप्रदाय ने जन्म लिया, कौन सा संप्रदाय, व्यवहारवाद का विज्ञान या फिर व्यवहारवादी संप्रदाय जिसको कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन। तो इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यवहारवादी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवहारवादी संप्रदाय क्या था, इससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो सारे देखोगे मनोविज्ञान पूरी रट जाएगी और कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, गारंटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पूरी क्लासेस देखिए और ढंग से पढ़िए। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में करिए, आपके पास टेलीग्राम चैनल